जिन पार्टियों को देश के लोगों ने नकार दिया, जो पार्टी आज हाशिए पर चली गई है, वही पार्टी अब देश के किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाना चाहती है। लेकिन ये सब अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएंगे। कांग्रेस के नेता आज कांग्रेस पार्टी में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे और प्रधानमंत्री की छतरी के नीचे आ रहे हैं। सीधे सीधे किसानों को भड़का कर ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर आज प्रितला के गांव नवादा में बनने वाली सड़क का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर उनके साथ विधायक नैनपाल रावत और अन्य ग्रामीण भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि इस रास्ते के बनने से हजारों लोगों को फायदा मिलेगा और करीब 78 लाख की लागत से बनकर ये रास्ता तैयार होगा। देखिए, आज यहाँ पर एक जो पुराना रास्ता है कच्चा नवादे से भूपगढ़, जो बल्लभगढ़ से तिगांव रोड है वहाँ पर जाकर लगता है, और ये लगभग 78 लाख रुपए का ये रास्ता आज काम शुरू हुआ है, जो RMC रोड बनेगा। तो गांव का ये सबसे पुराना रास्ता है, इससे गांव में आवागमन में दोनों गांवों के बीच में दूरी भी कम होगी और आवागमन भी सुगम होगा। कितने लोगों को फायदा मिलेगा इसके से? हजारों लोगों को फायदा होगा। सर, किसान आंदोलन लगातार जारी है, क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए? देखिए, हर चीज को किसान का नाम देना, अब यहाँ है तो यहाँ भी तो किसान है, रेंजर ओवर का किसान थोड़ी ना है। ये बात निश्चित तौर पर ये उन पार्टियों का इन भोले भाले किसानों के कंधे पे हथियार रख कर ही चलाना चाहते हैं, जिन पार्टियों को देश के लोगों ने नकार दिया है, जो आज हाशिए पर चली गई है, वो किसानों के नाम पर अपने आप को जीवित करना चाहती है, लेकिन इस मकसद में वो कभी कामयाब नहीं होगी। कौन कौन से जब चुनाव नजदीक आते हैं तब तब ये इस तरह का कार्यक्रम शुरू करते हैं, लेकिन आज खुद वो पार्टी जिसमें कांग्रेस के लोग कांग्रेस में ही अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रहे और वो सब मोदी की छतरी के नीचे आने में लगे हुए हैं, तो इसलिए ये हताश और निराश लोग हैं। देश के लोगों ने इनको नकार दिया है, इसलिए ये दुविधा में है, क्या करें या नहीं करें, लेकिन सीधे साधे किसानों को इस तरह से भड़का कर ये अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगे।